हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अब थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक हो रहे होंगे, क्योंकि रिजल्ट के बाद बहुत सारे कन्फ्यूजन्स डेवलप हो रहे हैं सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। सर, कैसे कोर्स को आगे बढ़ाएं? सर, ओल्ड सिलेबस से अब न्यू सिलेबस की तरफ हम जा रहे हैं। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्पेशली अकाउंट्स में सोचा था कि एग्जम्पशन आ जाएगी, तो एटलीस्ट अकाउंट्स तो नहीं देना पड़ेगा। ना अकाउंट्स में आई, ना एडवांस अकाउंट्स में आई। अब सर, एडवांस अकाउंट्स को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। अमेंडमेंट कैसे करेंगे सर? सर, न्यू टॉपिक्स कौन कौन से ऐड हुए हैं? सर, न्यू बुक्स खरीद लें क्या? और बुक्स से हमारा काम चल जाएगा क्या? सर, टेस्ट पेपर्स देने हैं सर, आप टेस्ट पेपर हमारे लोगे क्या? सर, इसके अलावा एमसीक्यू को सर कैसे सॉल्व करें? सर, एमसीक्यू का कुछ अता पता नहीं है सर। ओनली ओनली एएस करना है सर, वो दे दोगे क्या? सर, न्यू कोर्स में तो सर सुना है कि 70% एएस है सर, उसको कैसे मैनेज करेंगे? सर, यूट्यूब पे आप कौन कौन से लेक्चर्स डालोगे? सर, अपनी तरफ से कौन सा मटेरियल आप दे दोगे? कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ये कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं येस देर आर द मेजर चेंजेस इन एडवांस अकाउंट्स। आई सेड मेजर चेंजेस। व्हाई आई सेड मेजर चेंजेस? बिकॉज नंबर वन, 70% पोर्शन अब एएस आ गया है। 70% पोर्शन मतलब पहले इतना पोर्शन नहीं था। पहले बच्चे लोग एएस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बट अब एएस के ऊपर इंपॉर्टेंस आ गया है। पूरा लिखने का प्रैक्टिस, इवन जो आपके एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, जो आपने शायद ओल्ड सिलेबस में पढ़ के आए हो, AS4, AS5, AS29 और ऐसे कई सारे थ्योरेटिकल बेस्ड स्टैंडर्ड्स, जिनके अंदर लिखने की अब कहीं ना कहीं टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी, राइट? और ये चीजें कहीं ना कहीं ना आपको फ्री में, आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पाएंगी किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है शायद आप थोड़ा बहुत कंटेंट यूट्यूब से आपको मिल जाए, हो सकता है कोई फैकल्टी आपको एक आध चैप्टर दे दे, हो सकता है आप मेरे ही एक दो रिविजन वगैरह देख लो, आप मेरे ही बुक्स परचेज कर लो। पर एक कंफ्यूजन हमारा हमेशा बना रहेगा कि अरे यार, जो एग्जिस्टिंग टॉपिक्स हैं उनमें भी तो कोई चेंजेस नहीं है, उसमें भी तो कोई नए क्वेश्चन नहीं है यार, मेरे थ्योरी का क्या होगा, मेरा राइटिंग प्रैक्टिस का क्या होगा? सो दीज आर सो मेनी चेंजेस। सर, सॉल्यूशन क्या है? वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं सिर्फ आपको एडवांस अकाउंट्स के लिए नहीं बता रहा हूं, बड़े भाई होने के नाते मैं आपको ये सॉल्यूशन हर एक सब्जेक्ट के लिए बता सकता हूं। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक कॉमन सॉल्यूशन दे रहा हूं, और वो क्या है? वो ये है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच लो। अगर आपको कोई भी फैकल्टी इंक्लूडिंग मी, जैसे आपको अगर कोई नया बैच बना के दे रहा है जिसमें सारी चीजें इकट्ठी एक ही जगह पर दे रहा है, तो आप वो चीज कर लो। मैं समझ सकता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि नहीं सर, वापस से परचेज करने में हो सकता है ऐसा हो जाए, वो हो जाए, सर बजट नहीं है, पिटा। मैं आपको बताऊं, अगर इन सब चीजों में भी जाओगे तो आपको किसी न किसी तरीके से 1,000-2,000 रुपए तो शायद सेव हो जाएंगे, ठीक है ना? थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट आपको इन सब चीजों में भी करना पड़ेगा। शायद कोई ओनली एस खरीदेगा, कोई टेस्ट पेपर खरीदेगा, कोई नई बुक्स खरीदेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। हो सकता है शायद आप कुछ कुछ यूट्यूब वीडियो देखकर कंप्लीट कर लोगे, बट एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा कि अरे यार, मजा नहीं आया। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन यही है कि एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस ले लो। जैसे एडवांस अकाउंट्स की अगर बात करें, तो एडवांस अकाउंट्स के अंदर मैंने 7 दिसंबर से एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच शुरू किया हुआ है। अभी भी हमारा ये बैच चल रहा है, लगभग लगभग 28 से 30 लेक्चर्स हो भी चुके हैं। हाँ जी, और इस महीने के एंड में मैक्सिमम कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इस महीने के एंड में, मतलब आप अपने पेस के हिसाब से देखना शुरू कर सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड बैच जब मैंने शुरू किया था 7 दिसंबर से, तो इसी टारगेट से शुरू किया था कि अगर आगे चल के ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को जरूरत पड़ी तो ये बैच उनके लिए परफेक्ट हो। अब ये बैच परफेक्ट क्यों है? 100% डिटेल में कवर किया है। मतलब जितना डिटेल में मैं कॉन्सेप्ट्स को रेगुलर बैच में डिस्कस करता हूं, उतना ही डिटेल में मैंने इस बैच में सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, डिस्कस किया है, ठीक है? इसके अलावा मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास में करवाई है। आप जानते हो कि मैं प्रैक्टिस बहुत करवाता हूं क्लास में, यही चीज मैंने डेवलप की हुई है ईओ में। बहुत सारे बच्चे इस चीज को भी लेकर कंफ्यूज है, सर ईओ में सर आप लिमिटेड तो नहीं करवाओगे, सर बस रिविजन करवा के छोड़ तो नहीं दोगे? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी 100% गारंटी है कि आपको सब कुछ अच्छे से करवाया जाएगा। बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। एक अच्छी बात और बताऊं, जो एग्जिस्टिंग चैप्टर्स थे जैसे कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन, उसके बाद ब्रांच अकाउंट्स, इनके अंदर मैंने बहुत सारे नए नए मास्टर प्रॉब्लम्स भी डेवलप करके करवाए हैं। अब क्या होगा कि तुम लोग नए न्यूली एडेड टॉपिक तो कहीं ना कहीं से यूट्यूब से ढूंढ लोगे। न्यूली एडेड टॉपिक में तो हो सकता है तुम्हारा हो जाए, पर जो एग्जिस्टिंग टॉपिक्स तुमने ऑलरेडी पढ़ के आए थे और अगर उसमें अच्छे से तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रैप नहीं हो पाया तो कैसे चलेगा? क्योंकि मैंने इसमें तो सभी टॉपिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। मैंने एग्जिस्टिंग टॉपिक्स को भी और न्यू टॉपिक्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। ऊपर से मैंने अपनी बुक्स में भी बहुत ज्यादा चेंजेस कर लिए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तो मैंने सारी बुक्स में चेंजेस कर लिए, क्योंकि 70% कोर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का हो गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मैंने बहुत सारे नए नए क्यूआर कोड भी डाल दिए हैं। क्यूआर कोड मतलब कई सारे क्वेश्चंस के बगल में क्यूआर कोड मिलेंगे और एग्जाम तक आपको वो वीडियो सेशंस में हेल्प होती रहेगी, ठीक है? सो नई किताबें आपको मिलेंगी, उनमें नए फीचर्स मिलेंगे, बहुत ही सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, उसके अलावा मास्टर लेवल प्रॉब्लम्स उसी के अंदर लिखे मिलेंगे, तो सब कुछ हो जाएगा। इसके अलावा जो भी है ईओ बैच परचेज करेगा उसका फ्री टेस्ट लिया जाएगा, मतलब उसके टेस्ट पेपर्स चेक भी होंगे। मतलब आपको अलग से टेस्ट पेपर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको टेस्ट पेपर्स यहां पर पोर्शन वाइज दिया जाएगा और एक फुल टेस्ट दिया जाएगा, 4 पोर्शन वाइज और एक फुल, वो भी मैं आपको चेक करके दूंगा। ऑडियो रिविजन आपको साथ मिलते जाएंगे। ऑडियो रिविजन का कॉन्सेप्ट नया है एडवांस अकाउंट्स में, बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने रिवाइज करवाया है, 5-5
मिनट में ऑडियोज के थ्रू। इसके अलावा हाई लेवल एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करना शुरू कर चुका हूं इस बैच में। यस, हाई लेवल एमसीक्यूज भी आ चुके हैं। आईसीआई के जो एमसीक्यूज है उससे ज्यादा अच्छे लेवल के एमसीक्यूज भी मैं प्रोवाइड करना शुरू कर चुका हूं, जो कि मैं बीच बीच में क्लासेस में डिस्कस कर रहा हूं। और सोचे हो कि ऐसी चीजें बीच बीच में क्लासेस में जब डिस्कस होती है तो यूट्यूब पर आपको कभी नहीं मिलने वाली, यूट्यूब में पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में आपको लगेगा, फील ही नहीं आएगा कि अरे यार मैंने कोई ना नए सिलेबस की अच्छे से पढ़ाई कर ली है। तो दिस इज द कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर कन्वर्टिंग फ्रॉम ओल्ड कोर्स टू न्यू कोर्स। क्योंकि 140 से 150 घंटे में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपको सिर्फ दिन भर में 4 घंटे निकालने की जरूरत है। 2.5 घंटे का लगभग एवरेज लेक्चर का ड्यूरेशन रहने वाला है और 1 से 1.5 घंटा आपको खुद की सेल्फ स्टडी करनी है एडवांस अकाउंट्स में। दिन भर में अगर आपने 3.5 से 4 घंटे भी निकाल लिए ना, बस मैं बैठा हूं, सारे प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर डाल दो, बाकी सब कुछ मैं करवा दूंगा। सब कुछ मतलब सब कुछ, वो भी क्लास के अंदर अंदर ही, ठीक है। सो आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद आपका कंफ्यूजन दूर होगा और अब आप इन चीजों को लेकर नहीं सोचोगे। और मैंने ये जो सोल्यूशन आपको दिया, ये सिर्फ एडवांस अकाउंट्स को लेकर नहीं, मैं सभी सब्जेक्ट्स में आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भी फैकल्टी आपको ऐसा दे रहा है तो आप नया उसका लेक्चर्स ही लो, नए तरीके से उसका कोर्स लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको ईओ बैच की और डिटेल चाहिए, आपको इसका लिंक चाहिए, वी स्मार्ट वेबसाइट से कैसे परचेज करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ईओ बैच और रेगुलर बैच में भी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। यहां भी मैं आपका एक कंफ्यूजन छोटा सा है पर मैं आपको दूर कर देता हूं, एक ही पॉइंट में आपको दूर कर देता हूं कि सर हम रेगुलर बैच लेवे कि ईओ ले लें। मैंने ईओ का तो आपको बता ही दिया कि भाई ईओ में तो सब कुछ कवर हो रहा है। कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स, मैं आपको बोलूंगा कि रेगुलर बैच सिर्फ एक ही सर्कमस्टांस में आपको लेनी चाहिए, जब उसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला, अगर आप सिंगल ग्रुप जा रहे हो May 24 के लिए और उसके साथ साथ एडवांस अकाउंट्स को लेकर आप ओल्ड सिलेबस में भी अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, मतलब आप जीरो लेवल पर खड़े हो, एक तरीके से आपको पूरा रीस्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो से रीस्टार्ट करना है, तो ही आप रेगुलर बैच में जाइए। बाकी सारे के सारे केसेस में आप ईओ में जा सकते हो, मतलब आपका पहले अकाउंट्स हो रखा था, एडवांस अकाउंट्स नहीं हो रखा था, ओल्ड में ईओ पे जाओ, मैं सब करवा लूंगा 100% गारंटी। पहले एडवांस अकाउंट्स हो रखा था, अकाउंट्स अच्छे से नहीं हो रखा था, भूल गए, ईओ पे जाओ, सब हो जाएगा 100% गारंटी। दोनों हो रखे थे पर स्टिल कंफ्यूजन है, स्टिल मजा नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई नहीं है, वापस से पूरी प्रैक्टिस करनी है, ये कर लो, सब करवा लूंगा। तो सिर्फ रेगुलर का मैंने आपको ये सोल्यूशन बता दिया कि कौन सी सिचुएशन में आप ले सकते हो। इन ऑल अदर सिचुएशन गो विद द ईओ बैच। और मैं फिर से कह रहा हूं, आपको सब कुछ करवा लूंगा ईओ बैच के अंदर, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आगे आके मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करोगे, सर थैंक यू सो मच, अच्छा हुआ आपने हमारे पैसे बचवाए और आपने बोला कि ईओ खरीद लो क्योंकि ईओ से तो सब कुछ हो रहा है, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और आपके फ्रेंड के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो उसको जरूर शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में आपको ईओ बैचेस के डिटेल्स सारे के सारे मिल जाएंगे। गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको और कोई कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो इस YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपकी क्वेरी के ऊपर अलग से वीडियो बना लूंगा या फिर आपको उसमें रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरे बहुत सारे वीडियो और आने वाले हैं रिगार्डिंग MCQs एंड ऑल, बहुत सारी चीजें अपडेशंस और आने वाली हैं, उसको लेकर भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।